राजधानी देहरादून में कई कारोबारियों के ठिकाने पर इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी है। सुबह आयकर विभाग के अधिकारी दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ देहरादून पहुंच रहे थे। दिल्ली से आई आयकर विभाग की टीम ने देहरादून के नामी रियल एस्टेट एवं होटल कारोबारी मंजीत जौहर के और उनके साथियों के 50 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे थे। बताया जा रहा है कि इन्होंने सहारनपुर के शहद कारोबारियों के साथ मिलकर देहरादून, सहारनपुर और ऋषिकेश में प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश किया था। आरोप है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर चोरी की गई है। हालांकि आयकर के किसी अधिकारी ने इसका खुलासा तो नहीं किया और चोरी से संबंधित सैकड़ों दस्तावेजों को टीम ने कब्जे में लिए हैं। बता दें कि मेहता ब्रदर्स नट भाटिया और नवीन कुमार मित्तल के घर और दफ्तरों पर भी छापे मारे गए। सूत्रों ने बताया कि ये सभी कारोबारी एक ही सिंडिकेट के सदस्य हैं। इन्होंने सहारनपुर के एक शहद कारोबारी के साथ मिलकर देहरादून, ऋषिकेश और सहारनपुर में प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश किया है। इस मामले में उनकी शिकायत भी की गई। आयकर विभाग की कार्रवाई बृहस्पतिवार देर रात चल रही थी। बताया जा रहा है कि कार्रवाई अगले 4 से 5 दिन तक जारी रहेगी।